हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक के सभी चार्जेस के बारे में और आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है। सो दैट अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में सोच रहे अपना खाता खुलाने का, खासकर सेविंग अकाउंट, तो आपको पता रहे कि आपको कितना कितना अमाउंट देना पड़ेगा एज अ चार्ज। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू है, देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दी चैनल। सबसे पहले यहाँ पे आप प्रीमियम अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट तो आपको फ्री में खुल जाएगा, लेकिन जब आप उसमें पैसा डलवाएंगे, अब पैसा डलवाना भी तो किसी माध्यम से पड़ेगा ना आपको। तो अगर आप मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप इस्तेमाल करते हैं बैंकिंग पॉइंट का, तो फ्री में आप अपने अकाउंट में पैसा डलवा सकते हैं। लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं या वेब लोड का इस्तेमाल करते हैं, तो 1% आपको टोटल अमाउंट का देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपए अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में डलवा रहे हैं अपने सेविंग अकाउंट में, तो आपको 1% उसका यानी कि 100 रुपीज आपको देना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक को। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की, यहाँ पे आपको कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। भाई, आपका सेविंग अकाउंट खुल गया एयरटेल पेमेंट बैंक में, तो उससे आप पैसा निकालोगे भी तो यहाँ पे अगर आपकी जो धनराशि आप निकाल रहे हैं 100 रुपए से कम की है, तो आपको 1 रुपए देना पड़ेगा। 101 से 500 के बीच में है, 5 रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपकी जो धनराशि है 501 से 1000 के बीच में है, तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे ही 1001 से 2000 के बीच में अगर आप धनराशि निकाल रहे हैं, तो आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। 2001 से 3000 रुपए के बीच की जो धनराशि अगर आप निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 20 रुपए देने पड़ेंगे। 3001 से 4000 रुपए के बीच में अगर आप निकाल रहे हैं, तो 25 रुपए देने पड़ेंगे। एंड 4000 रुपए से ऊपर की अमाउंट अगर आप निकाल रहे हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से, तो 0.65% आपको देना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक को एज अ चार्ज। यहाँ पे एग्जांपल समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से 5000 रुपए निकाल रहे हैं, तो 5000 रुपए पे 0.65% आपको देना पड़ेगा एज अ चार्ज एयरटेल पेमेंट बैंक को, जो की हुआ 32.50 पैसे। ऑलराइट, अब बात करते हैं दोस्तों फंड ट्रांसफर की। अब भाई, आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना है, मतलब पैसे भेज रहे हैं, तो वहां पे क्या कौन से चार्ज आपको देने पड़ेंगे। तो देखिए, अगर आप अपने एयरटेल वॉलेट से किसी और एयरटेल वॉलेट पे कोई भी पैसा भेजते हैं, उस पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। दूसरी बात ये उठती है कि अगर आप अपने एयरटेल वॉलेट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा भेजते हैं और वो जो धनराशि है वो 1000 रुपए से कम की है, तो उस पर भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी और बैंक के सेविंग अकाउंट में फंड ट्रांसफर करते हैं और वो जो फंड है वो 1000 रुपए से ऊपर का है, तो 0.5% आपको एज अ चार्ज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2000 रुपए अपने एयरटेल पेमेंट बैंक से भेज रहे हैं किसी और बैंक अकाउंट में, तो आपको यहाँ पे 10 रुपए एज अ चार्ज देना पड़ेगा एयरटेल पेमेंट बैंक को। बात करें अगर सेट ऑफ बैलेंस की, तो यहाँ पे 50 रुपए है। सेट ऑफ बैलेंस क्या होता है? सेट ऑफ बैलेंस वो होता है कि ये लोग कभी भी काट सकते हैं अगर आपने इनसे कोई लोन लिया है या फिर अगर आप उस लोन की भरपाई नहीं कर पाते हैं, तो ये जो बैलेंस है वो आपसे बिना पूछे काट लिया जाता है। तो इस पर्टिकुलर बैंक का जो सेट ऑफ बैलेंस है वो 50 रुपए है। ये जनरली बैंक टू बैंक डिफर करता है, किसी और बैंक का हो सकता है कुछ और हो या ज्यादा हो या कम हो, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक का 50 रुपए है। बात करें अगर मैक्सिमम अमाउंट आप कितना ट्रांसफर कर सकते हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में एक दिन में, तो ये अमाउंट है 49,990 रुपीज। मिनिमम जो यहाँ पे ट्रांसफर अमाउंट रहता है वो 10 रुपए रहता है। 10 रुपए से कम का अमाउंट क्या ही ट्रांसफर करोगे आप। अब बात कर लेते दोस्तों इंटरेस्ट रेट की। तो एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में अगर आपका 1,00,000 रुपए तक है, तो यहाँ पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपके एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग अकाउंट में 1.5 लाख रुपए तक है, तो यहाँ पे आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? यहाँ पे ये लोग अपनाते हैं टायर्ड इंटरेस्ट रेट का इस्तेमाल करते हैं। टायर्ड इंटरेस्ट रेट ये होता है कि बेसिक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि आपके पहले 1,00,000 रुपए पे आपको 2.5% का इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो बाकी के 50,000 रुपए है आपके अकाउंट में, उस पे आपको जो इंटरेस्ट रेट है वो 6% के हिसाब से मिलेगा। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। जितनी ज्यादा आपके अकाउंट में अमाउंट होगी, उतना ज्यादा आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला जाएगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, तो आप 1,00,000 रुपए तक NEFT कर सकते हैं किसी नॉन एयरटेल बैंक को, यानी कि कोई दूसरे बैंक को, या फिर IMPS की बात करें तो आप 1,00,000 रुपए तक भेज सकते हैं वाया IMPS किसी और बैंक को। तो दोस्तों ये वो सारे चार्जेस हैं और इंटरेस्ट रेट भी मैंने आपको बता दिया, जो कि आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि आपको पता रहे यार कि एक्चुअली मेरे जेब से कितना पैसा जा रहा है एक्स्ट्रा, या क्या ये वर्दी भी है या नहीं। आपको क्या लगता है इस पर्टिकुलर बैंक के सेविंग अकाउंट के बारे में, और क्या आपका सेविंग अकाउंट इस बैंक में है? अगर है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।